जबरदस्त शानदार बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। ये डांस कौन सा था? ये डंडा नृत्य है। ये डंडा नृत्य? अच्छा, डंडा नृत्य क्यों किया जाता है? डंडा नृत्य आदिवासियों के एक परंपरागत है। अच्छा, ये छेरछेरा त्योहार के समय स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और छेरछेरा त्योहार में तो किसान अपने खलिहान से धान कटाई करके ले आते हैं, मिसाई कर लेते हैं, उसकी खुशी में डंडा सुवा कर्मा ये सारी हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार उसको गाते हैं। गांव के हर घर में हर किसान के पास जाएंगे और टीम बनाकर टोली बनाकर जाते हैं, घर घर जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। उसके एवज में किसान अपने घर से खुशी के कारण, खुशी से या एक गांव के पारिवारिक माहौल रहता है, और वो अपने घर से धान सूपा में सूपा भर धान उसको दान स्वरूप उसको गिफ्ट करता है। इस नृत्य में कौन कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? इस नृत्य में वाद्य यंत्र वैसे तो बहुत से है छत्तीसगढ़ का वाद्य यंत्र, पर कुछ कुछ जगह में अपने सुविधा के हिसाब से वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। जैसे हम मांदर की भी कर रहे हैं, गुदुम भी कर रहे हैं, डफला भी कर रहे हैं और नगाड़ा भी कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ का हर वाद्य यंत्र का उपयोग कर रहे हैं अपने टोली। अच्छा, और इसमें क्या पोशाक है ये भाई को एक बार बताइए, तो पूरे पोशाक के बारे में बताइए क्या क्या चीज़ है। ये जो छत्तीसगढ़ का विशेष खुमरी बोला जाता है। अच्छा, ये खुमरी है और ये खुमरी का प्रचलन हमारे आदिम समय से, जो हमारे बाप दादा पुरखे में जब छाता का आविष्कार नहीं हुआ था, अच्छा, उस समय जब खेत में काम करते समय उनको धूप से बचने के लिए ये खुमरी का आविष्कार किए थे। अच्छा, हमारे पूर्वजों ने। अच्छा, अच्छा, और आज भी हम आधुनिक जमाने में छाता और कई प्रकार का इंस्ट्रूमेंट या मशीनी चीज आ गए जो हम धूप से बचने के लिए उपयोग करते हैं, परंतु अब हमारे ये जो खुमरी है ये लगभग विलुप्त होते जा रहा है। तो हम आप लोग सभी लोग अभी इस खास इसके लिए बनाए कि पहले से आप लोग बनाते ही हैं? नहीं, हमारे टीम में हमारे ग्रुप में हम हर चीज अपने खुद बनाते हैं। अच्छा, और ये जो बहन लोग हैं ये हमारे एक छोटी सी बहनों की एक टोली है। अच्छा, इनके माध्यम से कुटीर उद्योग टाइप का खुद इसका उपयोग करते हैं और बेचते हैं। और क्या क्या चीज है? ऊपर से लेकर ये जैसे ये कोटी है। अच्छा, कोटी कोटी है और ये इसको बंगाली बोलते हैं। अपन ये तो छत्तीसगढ़ का पोशाक धोती है, है ना, नीचे पैर में भी कुछ पहने और पैर में ये घुंघरू है। घुंघरू नाचने के लिए, ताल के साथ मेल खाने के लिए, तो आप जानते हैं कि घुंघरू हम क्यों पहनते हैं। अब जैसे हम छत्तीसगढ़ के परंपरा के हिसाब से हम अपने अपने पसंद के हिसाब से इसको कलर चॉइस किए हैं। अच्छा, येलो, नीला, नीला अपने आसमान का प्रतीक, और ये हमारे खेती किसानी के प्रतीक। अच्छा, लाल हमारे देवी देवताओं का प्रतीक। अच्छा, अच्छा, इस तरह से हमने इसको उपयोग किया। अच्छा, अच्छा, अब जैसे हमने अपने डंडे में कलर कर रखा है। अच्छा, अच्छा, ये हमारे भारत देश की तिरंगा की कलर है। अच्छा, अच्छा, तो इस तरह से हम अपने आप को सजा के रखे हुए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग विकास खंड गौरेला ग्राम न्योसा से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आपने डांस किया, धन्यवाद। आप आए हो, मेरे को मिली भी नहीं था यार, आप आए हो, बहुत मिलने का एकदम होता। मैंने सोचा प्लेटफॉर्म में आकर आपके आपसे मिलूं, आपके सारे चैनल, सारे वीडियो, मतलब चैनल नहीं, वीडियो सब देखता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, भाई से मिला, भाई से मिल के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप कहाँ से? मरवाही भरेला। अच्छा, मरवाही से जी, अच्छा लगा। अरे बहुत सेक्सी लग रहा है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जो कर्मा डांस हुआ, डंडा नृत्य हुआ, वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।